पंचायत सचिव की लापरवाही ने छीनी युवक की जान, पुलिस ने नहीं दर्ज की प्राथमिकी। बांदा जिले के नरेनी तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत गजपति खुर्द थाना बदौसा निवासी युवक विद्यासागर गुप्ता पुत्र स्वर्गीय भगवान दीन गुप्ता की कट लगने से जान चली गई। ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत सचिव प्रमोद पटेल पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों के द्वारा बताया गया कि ग्राम पंचायत सचिव के द्वारा गांव में स्थित मंदिर ढाहुर देवी मंदिर के नजदीक सचिवालय व सामुदायिक शौचालय का निर्माण कार्य करवाया जा रहा था, जिसमें लाइट के लिए मंदिर से अवैध कनेक्शन कर केबल सचिवालय तक ले जाई गई थी, जो कई जगह से कटी हुई थी। पंचायत सचिव से ग्रामीणों के द्वारा केबल हटाने के लिए कई बार कहा जा चुका था, लेकिन हटाई नहीं गई, जिसके कारण दिनांक 24/4/21 को सुबह 5 बजे जब विद्यासागर गांव में स्थित मंदिर में पूजा को गया तो टिन शेड में तार से उतरे कट की चपेट में आने से उसकी दर्दनाक मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने आरोपी सचिव के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने के लिए लिखित शिकायत बदौसा थाने में की, लेकिन प्राथमिकी दर्ज न हो सकी। आखिरकार बदौसा थाना अध्यक्ष नहीं संभाल पा रहे, अपनी कुर्सी को सिर्फ पैसे वालों की ही सुनी जाती है। समस्या कई ऐसे मामले हैं जो पीड़ित परिवार काफी दिनों से बदौसा थानाध्यक्ष के ऊपर एक आरोप नहीं है क्यों सवाल खड़े हो रहे हैं। बांदा जनपद के ईमानदार कप्तान अभिनंदन सिंह की छवि को धूमिल करने में लगे हैं। पीड़ित परिवार ने उच्चाधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई, लेकिन आज तक कोई कार्यवाही आरोपी सचिव के खिलाफ नहीं की गई, जिससे आक्रोशित ग्रामीणों ने गांव में प्रदर्शन कर आरोपी ग्राम पंचायत सचिव पर जांच कर कानूनी कार्यवाही की मांग की। मेरा नाम है सुनील। कहाँ रहते भैया? गजपतिपुर खुर्द। अच्छा, क्या मामला है, क्यों आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? मामला सर जी ये है कि मंदिर है, ये मंदिर से सचिव तार ले गया था, नव निर्माण करवा रहा था पंचायत भवन और शौचालय का। क्या नाम है सचिव का? सचिव का प्रमोद कुमार जी। फिर क्या हुआ? वो उसकी तार सर जी 4 अंगूर कटी थी, लापरवाही से तार ले गया चोरी से, यहाँ से उसी के तार से मेरे भाई की मृत्यु हो गई 24/6 को। इसके बाद सर जी मैं दौड़ता रहा एसओ अकरम खान के पास, मेरी कोई FIR नहीं लिखी गई अभी तक। वो कह रहे थे कि जेई और प्रधान सचिव तीनों की करोगे तो FIR लिखूंगा कि नहीं। दोषी जो मेन है मैं उसी को लिखना चाहता हूं, दूसरे किसी को नहीं। कौन दोषी है आपकी नज़र में? मेरे नज़र में दोषी प्रमोद है, प्रमोद पटेल। क्या गलती है उनकी? गलती उनकी यह है सर जी की वो यहाँ से मंदिर से चोरी से तार फंसा के काम करवा रहा था। तो नहीं सर जी, हमारी शिकायत कहीं नहीं सुनी गई। कहीं ही सुनी गई जी? नहीं, उसने कहा, दरोगा जी के पास हम गए, उनने कहा कि आपको FIR करना है तो सचिव और जेई और प्रधान तीनों की करोगे तो FIR लिखी जाएगी, नहीं नहीं लिखी जाएगी। ऐसे दोषी प्रमोद कुमार है, सचिव है, उसी के उसमें काम चल रहा था जी। सर जी, कार्रवाई की मांग कर रहे हैं जी। कौन से नंबर का भाई था आपका? सबसे बड़ा भाई था, विद्यासागर नाम था। क्या काम करते थे? काम किसानी का काम कर रहे हैं।